ओके तो वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट पोर्शन ऑफ आर चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट अब हम लोग आज हमने सब खाना वाना उगा लिया है सब कुछ हो गया है अब हमें क्या करना है अब हमें उसको काट काटना है ठीक है तो वील बी हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है अब वी वी हमारी फसल तैयार है नाउ हैव हैव टू टू कट द देन स्टोर क्योंकि क्या काटते बिक जाएगा मार्केट में सामान तो हमें उसको स्टोर करके रखना है आपने देखा होगा जब हम शहर के बाहर जाते हैं तो बहुत सारे कोल्ड स्टोरेजेस हैं बीच में एक, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं तो बीच बीच में खेत के पास बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज होते हैं तो कई बार तीन तीन चार चार पांच पांच महीने भी हमें स्टोर करना पड़ जाती है चीजों को कोल्ड तो स्टोरेजेस में रखते हैं अदरवाइज हम क्या करते हैं आपने देखा होगा एक छोटी सी हट टाइप की बनी होती है उसके अंदर स्टोर होता है 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 ना बात समझ में आ रही एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स बी अबाउट दिस पोर्शन ऑफ द चैप्टर नाउ तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क क्योंकि अगर सब कुछ हो जाता है लेकिन हार्वेस्ट गड़बड़ हो जाती है तो हमारा पूरा का पूरा जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी पूरे जो भी चार छह महीने की मेहनत है ठीक है इज एन इम्पोर्टेंट टास्क द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग यू नो वट इज हार्वेस्टिंग राइट कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इट टेक्स टू फॉर अ सीरियल क्रॉप टू फॉरियल आपको पता है जिसका है टाइम वही साल में हमें तीन क्रॉप ग्रो करने हैं तीन सीजन के हिसाब से ठीक है तो इट टेक्स अराउंड फोर मंथ टू मेच्योर साइंटिस्ट क्या चाहते हैं आज की डेट में कि ये जो मेच्योरिटी पीरियड है ये कम हो जाए ठीक है पहले ही मेच्योरिटी पीरियड छह महीने का था हमने उसे कम करके कितना कर दिया तीन से चार महीने का कर दिया है अगर ये अब पहले छह महीने का तो साल में कितने क्रॉप ग्रो कर सकते थे दो ठीक है अब ये चार महीने का हो गया तो साल में कितने क्रॉप ग्रो कर सकते हैं तीन राइट और अगर ये दो महीने का हो जाएगा या तीन महीने का हो जाएगा तो साल में कितने क्रॉप ग्रो कर सकते हैं चार अगर दो महीने का हो जाएगा तो कितने क्रॉप ग्रो कर सकते हैं छह बात समझ रहे हो तो हमारी ईल्ड इंक्रीज हो जाएगी अगर हमारा क्रॉपिंग ड्यूरेशन डिक्रीज हो जाएगा ठीक है थ्री टू फोर मंथ फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर इट यूजली ट्रे ठीक है ना तो सीरियल क्रॉप्स आप जानते हो क्या क्या होते हैं ये सारे चावल वगैरह चावल गेहूं ये सारे हमारे सीरियल क्रॉप्स हैं हार्वेस्टिंग इन आर कंट्री इज डन आइदर बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर हैव यू सीन दिस इक्विपमेंट आपने क्या ये देखा है लोगों को हार्वेस्ट करते हुए ठीक है यहाँ पे हरियाणा राजस्थान हरियाणा में और पंजाब में तो बहुत खेती होती है आपने कभी ना कभी देखा होगा काटते हुए ठीक है चाहे वो लेडीज को देखा हो चाहे जेंट्स को देखा हो आपने देखा होगा फील्ड में दे यूज दिस इक्विपमेंट टू हार्वेस्ट ठीक है और जहां पे बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं वहां पे वी ऑल्सो यूज अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर ये बहुत जल्दी काम को कर देता है बहुत आसानी से काम हमारा हो जाता है ठीक है इट टेक्स टाइम दिस इज फॉर स्मॉल फार्मर्स एंड आर फॉर लार्ज स्केल फार्मिंग ठीक है ना अंडरस्टूड इन अ हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ आपको पता है शाफ क्या होता है लाइंस में ग्रेन्स राइट right. आपने क्या किसी ने गेहूं को घर पे लाके देखा है किसी के घर पे आते हैं गेहूं आते हैं मतलब मोस्टली आजकल तो हम लोग आटा खरीदते हैं कौन कौन लोग मार्केट से आटा परचेज करते हैं फ्लोर वी परचेज फ्लोर यू परचेज फ्लोर ठीक है यू फ्लोर ठीक है तो मोस्टली वी परचेज नो फ्रॉम फ्रॉम विलेज वी हैव नो द दिस कने बट आपके यहाँ शायद गाँव से कोई कनेक्शन होगा तो वहां से क्या होता है वहां से गेहूं आते हैं और फिर गेहूं को हम घर लाके साफ करते हैं और उसके बाद से पिसवाते हैं और फिर आटा बनाते हैं तो जो काम हम मार्केट से ऐसे ही खरीद के ले आते हैं वो काम बहुत सारे लोग घर पे करते हैं जो कि ज्यादा क्लीन होगा जब हमारे खुद के उगाए हुए गेहूं होंगे और हम खुद से पिसवाएंगे तो ज्यादा क्लीन होगा इम्प्योरिटीज एडिशन कम से कम होगा तो पता है क्या होता है जैसे ये तो हमारा इस तरीके का ठीक है इस तरीके का रे, ये घूमेगा इस तरीके का हमारा शाफ होता है शाफ मतलब हमारा जो गेहूं होता है उसके ऊपर एक कवर होता है छिलका होता है और वो उसके साथ अटैच होता है ठीक है तो हमें क्या करना पड़ता है पहले इसको बीट करना पड़ता है हम इसे बीट करते हैं जिससे कि शैफ और ग्रेन सेपरेट हो जाए और उसके बाद क्या करते हैं हम आपको पता है शैफ हल्का होता है ठीक है और ग्रेन वो होता है तो इसके बीट करने के प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं वॉट डू व्यू कॉल दिस प्रोसेस थ्रेशिंग क्या बोलते हैं इसको आगे बोलते हैं आई विल थ्रैश यू थ्रैश यू का मतलब क्या है मारेंगे ठीक है यहाँ पे भी थ्रेशिंग का मतलब वही होता है थ्रेशिंग का मतलब क्या है ग्रेन को शैफ से से करना ठीक है बाय हिटिंग बाय बीटिंग ठीक है तो फर्स्ट भी सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शैफ और आपको पता है कि ग्रेन भारी होता है शैफ हल्का होता है तो किसी ने घर पे वो देखा है एक सूप होता है उसमें इस तरीके से ऐसे मूव किया जाता है तो नीचे की तरफ ग्रेन रह जाता है और ऊपर की तरफ हिलके आ जाते हैं उसके शेफ आ जाते हैं और फूक मारके उड़ा देते हैं उस मेथड को पता है इसलिए ऐसे कर सकते हैं जहां पे, होते हैं, वहां पे क्या करते हैं तो जो भारी ग्रेन होता है वो नीचे गिर जाता है और हवा के साथ शैफ जो होता है वो उड़ के दूसरा ढेर बना लेता है तो सबसे पहले काटने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं उसके बाद बीटिंग टू रिमूव शैफ फ्रॉम द ग्रेन थ्रेशिंग एंड उसके बाद रिमूविंग ऑफ शैफ फ्रॉम द ग्रेन विनोइंग ठीक है और एक मशीन आती है जो ये तीनों काम एक साथ कर सकती है दैट इज कॉल्ड कम्बाइन दम्बाइंड तो अगर कोई रिच फार्मर है तो वो मशीन सीधे सीधे कम्बाइन मशीन यूज करता है वो थ्रेशिंग सॉरी हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग और विनोइंग एक साथ करके ग्रेन और शैफ को सेपरेट कर देती है बात समझ में आ रही है अंडरस्ट तो यहाँ पे इन दार्वेस्टेड द ग्रेन टू बी सेटेड फ्रॉम द शैफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ख रहे हो ऐसे हिट कर रहे हैं ना इसको ठीक है यहाँ पे इस प्लांक पे तो यहाँ पे हिट कर रहे हैं ये ग्रेन निकल के गिर जा रहा है और येपरेट ये हो जा रही है कम्बाइंड हार्वेस्टर एंड अ थ्रेशर ये हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग का काम एक साथ कर देता है बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये विनोइंग का काम भी एक साथ कर देता है वो काम भी कर देता है सेपरेशन का ठीक है ना बात समझ में आई ओके फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग होल्डिंग्स ऑन लैंड शैफ से करते तो तो हैं है, और जो भारी ग्रेन होता है, वो अलग हो जाता है। बात समझ में आ गई दिस मेथड इज कॉल्ड विनोइंग द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज ग्रेट जॉय हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया पूरे देश में बहुत सेलिब्रेट किया जाता है फसल के हार्वेस्ट को क्यों क्योंकि हमारा मैंने आपको सबसे डे वन पे बताया था ना हमारा एग्रीकल्चर मेन हमारे पॉपुलेशन का क्या है आ, प्रोफेशन है ठीक है तो सेवेंटी परसेंट लोग जहाँ एग्रीकल्चर में होते हैं तो उनका इनकम तभी आएगी जब उनके चार महीने वो काम करेंगे तब जाके जब उनकी फसल तैयार होगी हार्वेस्ट करेंगे तब वो बिकेगी और फिर उनको पैसे मिलेंगे ठीक है तो इस वजह से ये बहुत पीरियड ऑफ जॉय का टाइम होता है आपने देखा है जनवरी में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं ठीक है कौन कौन से लोडी और मकर संक्रांति ठीक है तो ये सारे अलग अलग रीजन में अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं सब सब सेलिब्रेट किसको करते हैं हार्वेस्ट को ही करते हैं वी सेलिब्रेट हार्वेस्ट तो यहाँ पे ठीक है बैसाखी होली लोहड़ी पोंगल ये सारे के सारे फेस्टिवल्स जो होते हैं ये हार्वेस्टिंग के फेस्टिवल्स होते हैं एंड दे सेलिब्रेट हार्वेस्टिंग इन इंडिया अंडरस्ट होली पे आप देखते हैं गन्ने बहुत मिलते हैं उस टाइम पे ठीक है तो वो शुगर केन की हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करते हैं जनवरी में हम लोग व्हीट की हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करते हैं इस तरीके से अलग अलग टाइम पे अलग अलग हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हमारे कल्चर में आए हुए हैं ठीक है अच्छा अब हमारी हार्वेस्ट भी हो गए ग्रेन सेपरेट भी हो गए विनो भी हो गए अब हमें ग्रेन अलग मिल गए बाकी जो हमारा शैफ था उसका क्या करेंगे जो शैफ था उसका हाँ इट विल बी यूज एज फूड फॉर एनिमल्स वो फोडर की तरह काम करेंगे चारा के चारे की तरह काम करेंगे जो जानवरों को हम खिला देंगे न्यूट्रिश होता है ठीक है फाइबर रिच होता है और हम उसे वेस्ट करेंगे हम उसे एनिमल फीड के लिए यूज करेंगे और फिर एनिमल्स उसी से काम करेंगे बात समझ आ रही है तो यहाँ पे लेकिन आप जो ग्रेन्स है उन ग्रेन्स एकदम से तो बिक नहीं जाएंगे तो हमें उन ग्रेन्स को स्टोर करना पड़ेगा तो उनको स्टोर करने के लिए आपने देखे बोरे देखे हैं बोरे ठीक है जूट के बैग्स होते हैं बड़े बड़े ठीक है उनको क्या बोलते हैं गनी गनी या सैक्स बोलते हैं इट इज अ वेरी मेथड ऑफ स्टोरिंग ठीक है storing, हम उन्हें सैक्स गनी सैक्स में कर, डालते हैं वो क्यों अच्छे हैं बिकॉज आपको पता है जूट इज अ नेचुरल फाइबर जूट इज अचुरल फाइबर नेचुरल फाइबर होने की वजह से वो कुछ हार्म भी नहीं करती दूसरा उसके बीच में गैप्स होते हैं देखें आपने तो एयर भी जाती आती रहती है ठीक है और वो छोटे छोटे साक्स में आ गए जिससे कि उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना आसान है और उनके बाद उनको कहां स्टोर किया जाता है ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर स्टोर कर दिया जाता है ठीक है तो यहाँ पे द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर ज्यादा मॉइस्चर होता है अगर हम इसको ऐसे ही स्टोर कर देंगे तो क्या होगा ये जो बैक्टीरिया है वायरसेस है वो इसके ऊपर एड करने लग जाएंगे जिसकी वजह से जल्दी खराब होगा तो पहले हम इसको ड्राई करते हैं ठीक है दोनों तरह से ड्राई करते हैं सन ड्राइंग भी करते हैं और शेड ड्राइंग भी करते हैं थोड़े टाइम के लिए सन ड्राइंग करते हैं लेकिन अगर बहुत ज्यादा देर तक सन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा जो क्रॉप है वो अपना कलर लूज कर देता है ठीक है जो ग्रेन है वो अपना कलर लूज कर देता है हाँ नहीं ड्राई तो करना ही था हमें लेकिन वो कलर लूज कर देता है और अपनी जो उसका टेक्सचर होता है वो लूज कर देता है तो अब आप मार्केट में जाओ मान लो एक एक ग्रेन है भी सपोज व्हीट है एक उसमें रखा हुआ है बहुत अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी लेकिन देखने में बहुत बेकार है और एक है जो बहुत अच्छा है ठीक है देखने में तो आप किसको परचेज करना प्रेफर करोगे जो देखने में अच्छा होगा तो अगर हम बहुत ज्यादा देर तक सन ड्राई कर देंगे तो पुअर मार्केटेबिलिटी की वजह से वो मनी लूज कर देते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप बनाना खरीदने गए मार्केट में ठीक है, है एक है बहुत फ्रेश दिख रहे हैं एक है बहुत बेकार दिख रहे हैं लेकिन अंदर से वो अच्छे हैं ठीक है तो आप कौन से परचेज करके लाएंगे जो दिख फ्रेश रहे हैं है ना बात समझ में आ रही है आप ऐसे ही यहां पर भी होता है तो हम इसको सन ड्राई भी करते हैं और शेड ड्राइंग भी करते हैं जिससे कि थोड़ा सा मॉइस्चर निकले और उसके बाद कलर लूज ना हो तो यहां पर इट फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रीन आर स्टोन स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मेक गेट्स ड्यू टू अटैक ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड लूज देयर जर्मिनेशन केपेबिलिटी है ना समझ आ रही है बात हैंड्स बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर ड्राइड इन सन टू रिड्यूस मॉइस्चर इस तरीके से सन ड्राई भी करते हैं और उसके बाद फिर इसको हम शेड ड्राइंग भी करते हैं समझ में आई बात क्लियर है दिस प्रिवेंट्स अटैक बाय इंसेक्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन ये देखे हैं ना सपने ये वाले बैग्स ठीक है इनको जूट बैग्स या गनी बैग्स बोलते हैं ठीक है और इससे ले जाके हम कहा ट्रांसफर कर देते हैं मेटालिक में ट्रांसफर कर देते हैं लार्ज स्केल ऑफ लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज और इन ग्रेनरीज ये सिलोज हैं जहां पे हमने ग्रेन ले जाके स्टोर कर दिया ये पता है आपको पता है ना ग्रेन तो बहुत लूज होता है ठीक है कई बार क्या होता है लोग इसमें गिर जाते हैं ठीक है और एक बार अगर इसमें गिरे तो फिर हमारे लिए जिंदा बच के निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये क्या होता चला जाएगा ये हम इसमें धसते चले जाएंगे और हम इसमें धसते चले जाएंगे तो अगर किसी कोई आ गया हेल्प के लिए तो ठीक तो है ठीक तो है अगर कोई नहीं आया तो हमारी ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाएगी एक टाइम के बाद हम इसमें नीचे चले जाएंगे एंड विल बी डाई डेड ठीक है तो बहुत केयरफुल रहना होता है कि इसके अंदर इसकी ओपनिंग वगैरह को बहुत प्रॉपरली मैनेज करते हैं ठीक है बेसिकली बड़े बड़े शहरों में तो बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड होता है और ये ओपनिंग्स वगैरह बहुत छोटी होती हैं लेकिन जो छोटे गांव वगैरह में होते हैं वहां पे प्रॉपरली मैनेज नहीं होता ठीक है या फिर इस तरीके से ग्रेनरीज में ऐसे बोरों के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक रखते हैं ठीक है अब यहाँ पे जहाँ पे इसको रख स्टोर किया जाता है ना उन कंडीशन को भी देखा जाता है सपोज हमने ऐसी जगह पे स्टोर कर दिया जहाँ पे दीवार में बहुत नमी है ठीक है या बहुत सारे चूहे हैं वहां पर तो चूहे तो जूट बैग को काट लेंगे ठीक है और ग्रेन्स को स्पॉइल कर देंगे नमी होगी तो क्या होगी पानी इसके अंदर आ जाएगा जिसकी वजह से स्टोर खराब हो जाएंगे तो हमें इन सारी चीजों को इन सारी कंडीशन को भी ध्यान रखना पड़ता है वाइल्ड स्टोरिंग ग्रेन्स अंडरस्टूड और नो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट इंसेक्ट एक्सेट्रा ड्राइड नीम लीवर किया होगा घर में मम्मी यूज करती होंगी नीम की पत्ती डाल देती है खाने के कंटेनर्स के अंदर तो नीम आपको पता है क्या है इज अ नेचुरल पेस्टिसाइड नीम इज अचुरल पेस्टिसाइड तो ये नेचुरली पेस्ट को रिपेल करती है इसलिए अगर हम इसके साथ डाल देते हैं थोड़ा सा

जो हार्वेस्टिंग एंड स्टो तो इस कब का है लिख लीजिए राइट हार्वेस्टिंग इज हार्वेस्टिंग इज क्या होता है व्हाट इज हार्वेस्टिंग कटिंग ऑफ मेच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड ठीक है कटिंग ऑफ मेच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड कटिंग ऑफ मेच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड लिख लिया नेक्स्ट लिखिए इट इज डन बाय सिकिल इट इज डन मैनुअली बाय सिकिल इट इज डन मैनुअली बाय सिकिल इट इज डन मैनुअली बाय सिकिल एंड And mechanically by a machine called harvester. Mechanically by a machine called harvester. Then write the separation of grain from the shaft. सेपरेशन ऑफ ग्रेन सेपरेशन की स्पेलिंग क्या होगी एसई पी ई आर ए एस ई पी ई आर ए द सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द शेफ द सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द शेफ बाय बीटिंग दम एक वर्ड और लिख लो द सेपरेशन ऑफ हार्वेस्टेड सीड्स फ्रॉम द द सेपरेशन ऑफ हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स शेफ द सेपरेशन ऑफ हार्वेस्टेड ग्रीन सीड्स फ्रॉम द शेफ हार्वेस्टेड ग्रीन सीड्स फ्रॉम द शेफ ठीक है ना उसके बाद आपने लिख लिया इस कॉल्ड थ्रेशिंग नेक्स्ट लिखिए The separation of the separation of grain and shaft, the separation of grain and shaft, the separation of grain and shaft is done, the separation of grain and shaft is done by the process called बाय द प्रोसेस कॉल्ड विनोइंग बाय द प्रोसेस कॉल्डंग्रोसेस कॉल्डंग अगली लाइन लिखिए कंबाइन इज अ मशीन कंबाइन सीओ एम बी आई एन ई कंबाइन इज अ मशीन विच कैन परफॉर्म हार्वेस्टिंग कॉमा थ्रेसिंग कॉमा विनोइंग हार्वेस्टिंग कौ थ्रेशिंग कॉमा विनोइंगल इन वन ऑल इन वन नेक्स्ट लिखिए स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट सीजन आर स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट सीजन आर लोहड़ी मकर संक्रांति पोंगल बैसाखी होली दिवाली एक्सेट्रा हार्वेस्ट सीजन आर हार्वेस्ट सीजन आर होली दिवाली लोडी मकर संक्रांति पोंगल बैसाखी एटसेट्रा ठीक है नेक्स्ट लिखिए स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन आफ्टर ड्राइंग द क्रॉप्स स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन आफ्टर ड्राइंग द क्रॉप्स बिकॉज मॉइस्ट क्रॉप्स मोइस्ट क्रॉप मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ट बाय ऑर्गेनिजम्स और लूज देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी ये जो पर्पल में लिखा है वो लिख लीजिए पूरा मे गेट स्पॉइल्ड अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म और लूज देयर जर्मिनेशन कैपेबिलिटी और लूज देयर जर्मिनेशन कैपेबिलिटी ठीक है लिख लिया सो दे आर सन ड्राइड एंड शेड ड्राइड बिफोर स्टोरिंग सो दे आर सन ड्राइड एंड शेड ड्राइड बिफोर स्टोरिंग एंड शेड ड्राइड शेड ड्राइड बिफोर स्टोरिंग दे आर सन ड्राइड एंड शेड ड्राइड बिफोर स्टोरिंग ठीक है नेक्स्ट लिखिए स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन जूट बैग्स जूट बैग्स जेयूटीई जूट बैग्स ऑल्सो कॉल्ड गनी बैग्स ऑल्सो कॉल्ड गनी बैग्स जी यू डबल एन वाई गनी बैग्स यू हैव अंडरस्टेड राइट व्हाट आर गनी बैग्स ठीक है because it is convenient because it is convenient for storage and transportation because it is convenient for storage and transportation नेक्स्ट लिखिए लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज सिलोज एंड ग्रेनरीज लिख लिया यस फूड फ्रॉम एनिमल्स क्या क्या लगता है आपको सब लोग एक एक फूड बताएंगे हमें जो एनिमल्स से मिलता हो यस मिल्क एग्स हनी बी बी खाते हो आप इसने बोला मिल्क एग्स हनी मीट बस वुल खाते फ्रॉम एनिमल्स फिश राइट एंड सारे मिल्क प्रोडक्ट्स भी हो जाएंगे ठीक है विच आर डिराइव फ्रॉम एनिमल्स राइट बहुत सारे ऑयल्स मिलते हैं हमें एनिमल्स से है ना फिश लिवर ऑयल एंड बहुत सारे ऑयल मिलते हैं हमें जो एनिमल्स से होते हैं एंड एंड ठीक है बेसिकली तो यही है है ना यहाँ पे देखिए मीट है यहाँ पे मिल्क है एग्स है हनी है ये सारी बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है जो हमें एनिमल से मिलती हैं। तो many people पीपल लिविंग इन द कोस्टल consume कंज्यूम फिश एज major पार्ट ऑफ their डाइट राइट एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन farms हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर शेल्टर अब क्या कहते हैं एक्चुअल में आपने कभी देखा है हु ऑल आर नॉन वेजिटेरियन ओवर हैं मतलब नॉन वेज फूड दे ईट मीट एंड ऑल दे ईट जो खाते हैं नहीं जो खाते हैं दे ईट नॉन वेजिटेरियन फूड दे ईट ओके सो हैव यू एवर परचेज चिकन क्या आपने कभी खरीदा है चिकन नहीं यस हाँ कटा हुआ चिकन कटा हुआ ही तो ऑब्वियसली आप घर लाके थोड़ी काटोगे लेकिन आपके सामने काटते ना वो ठीक है दे हैव यू सीन इट ठीक है हैव यू नो यू ईट नॉनवेज फूड बट यू हैव नॉट एवर परचेस्ड ठीक है तो हैव यू सीन कि जिस तरीके के, के केज से वो चिकन को निकालते हैं वो किस तरीके का केज होता है ठीक है अगर वो क्या कहते हैं उसमें स्पेस होती है ठीक है तो वो दैट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद चिकन राइट इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद चिकन ठीक है अब यहां पे आप इस चीज को बात समझिए ये भी ऑर्गेनिज्म है ठीक है और ये भी सबको पता है कि इनका फ्यूचर क्या होने वाला है इनका फ्यूचर यही होने वाला है दैट दे विल बी कट फॉर मीट ठीक है देयर फॉर देयर फ्लैश बट स्टिल जो एनिमल्स होते हैं चाहे वो हो चाहे वो uh, चाहे वो चिकन हो चाहे वो कुछ कुछ कोई भी हो इनकी भी एक ह्यूमन कंडीशंस होती हैं, है कंडीशंस होती है जिन पे इनको रखना चाहिए बिफोर किलिंग देम, ठीक है बिकॉज अल्टीमेटली डेथ तो सबका ही गोल है ना हम सब भी मरेंगे एक दिन ठीक है लेकिन उसके चक्कर में हम बोले ठीक है अगर हमें मरना ही है तो हम क्या करेंगे इतने बड़, बड़े घर रख के हम एक कमरे में पचास पचास लोग रहते हैं हमें जहां सांस लेने की भी जगह नहीं है जहां पे हम प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर सकते प्रॉपरली स्पेस नहीं है मूवमेंट के लिए लेकिन ये तो कोई बात नहीं है ना अल्टीमेट एम इनका वो है तो तो बेसिकली क्या है इसके पीछे बहुत सारे लॉज हैं जिनको फॉलो करना चाहिए कि जब कोई घर पे गाय रखेगा या कोई सपोज क्या कहते हैं एक पोल्ट्री फार्म रखेगा या कोई शेल्टर रखेगा जिसके अंदर काउ एयरिंग हो रही, रही हो रही होगी तो वहां पे क्या है आपको इन इन कंडीशन में रखना होगा हैव यू एवर परचेज मिल्क नॉट फ्रॉम द मार्केट ठीक है मिल्क फ्रॉम अ कैटल रेयरिंग प्लेस ठीक है परचेज किया है आपने कहा यहीं पे यस yes. कर किया है ठीक है कंडीशन का वो वहीं पे पीसेस कर रहे हैं वही पे यूरिनेट कर रहे हैं वहीं पे वो खे ठीक है कई आपने जहां से खरीदा हो सकता है बहुत क्लीन प्लेस भी हो मुझे नहीं पता लेकिन जनरली क्या होता है बिकॉज उन सबके लिए एक लोग रखना पड़ेगा करना पड़ेगा दैट इंक्रीजेज द कॉस्ट ठीक है जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं लेट देम हम जानवरी तो है इन्हें रहने देते हैं क्या फर्क पड़ता है ठीक है बट ऐसा नहीं है हमें इनको भी क्या करना चाहिए क्लीन एनवायरमेंट में खुद अगर ऊपर धूप आ रही है तो शेड प्रोवाइड करना चाहिए है ना इनकी जो कंडीशन है वो स्लोपी होनी चाहिए जिससे कि यूरिनेट या फीसस करते हैं ये तो वो फ्लो डाउन कर देना चाहिए जो क्वालिटी ऑफ फूड दे रहे हैं उसको वो प्रॉपर होना चाहिए जिससे कि जब क्या कहते हैं ये आगे जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो पास ऑन करें तो वो भी हेल्दी हो बात समझ में आ रही है यस ऑन यस एनिमल हस्बेंड्री इज रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एनिमल हस्बैंड्री का मतलब क्या है जब हम एनिमल्स को जब हम एनिमल्स को क्या कर रहे हैं ग्रो कर रहे हैं तो फूड भी ऑप्टेन कर रहे हैं साथ में मोस्टली ग्रो भी करते ही हैं, है ना मतलब एक का से दो दो से चार इस तरीके से ग्रो करते हैं ठीक है तो दैट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इन आर्टिफिशियल कंडीशन इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री ठीक है एनिमल हस्बेंड्री का मतलब रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड हम जब एनिमल हस्बैंड कर रहे होंगे तभी तो हमारे पास एनिमल फूड आएगा ना ठीक है तो मतलब आप जिससे भी खरीद के ला रहे हो वो एनिमल हस्बेंड्री कर रहा होगा तभी वो आपको प्रोडक्ट दे पाएगा ठीक है वरना ऐसे कोई दो दिन के लिए ला के तो करेगा नहीं है ना ऑब्वियसली उनको रेयर करेंगे ग्रो करेंगे उसी समय तो जैसे ये आपको इतना साफ दिख रहा है ना एक्चुअल में इतना साफ होता नहीं है ठीक है एक्चुअल में इतना साफ नहीं होता अगर आप जाओगे तो यू विल जस्ट होल्ड होल्ड फिंगर ऑन योर दे देखो वो बोल रहा है वो गया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे क्या है एक्चुअल में हम जैसे हमारे सेंसेस हैं वैसे इनके भी सेंसेस हैं अब वो कुछ बोल नहीं सकते बात अलग है ठीक है तो यहाँ पे क्या है हमें इस तरीके के शेल्टर्स बनाने चाहिए जिस तरह से उनका जो प्लेस uh, है वो भी क्लीन रहे ठीक है ना यस एनिमल्स रेअर्ड इन होम और इन टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर ठीक है एनिमल डॉक्टर्स होने चाहिए सब कुछ होना चाहिए ठीक है

ठीक है और ये बतक हेन ठीक है हैन के भी एग मिलते हैं ये पिग ठीक है पिग्स आर पिग्सो रेयर्ड फॉर पोर्क राइट दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री तो एक बार आप लिख लीजिए ठीक है रियरिंग ऑफ एनिमल्स रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स रियरिंग की स्पेलिंग पता है आर ई ए आर आई एन जी रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स Rearing and reproduction of animals at home or in farms at home or in farms by provide uh, to, to obtain to obtain various products to obtain various products by providing food shelter and care by providing food shelter and care to the animals by providing food shelter and care to the animals is called animal husbandry is called animal husbandry Is called animal husbandry. That will be it for this.